रहे हो नोबिता? इतना शोर क्यों मच रहा है डोरेमोन? हमारे पड़ोसियों के घर रेनोवेशन चल रहा है, ये काम ऐसे ही चलेगा। क्या? पर डोरेमोन, मैं तो सोच रहा था कि थोड़ी देर पढ़ाई कर लूं। क्या सच कह रहे हो? हाँ सच कह रहा हूँ, तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है। आइडिया, मैं शिजुका के घर चला जाता हूँ। हमारे पड़ोसी नया स्टीरियो लेकर आए हैं और सुबह से वो नॉनस्टॉप चल रहा है, बहुत शोर हो रहा है। शिजुका भी हमारी तरह ही शोर से परेशान है। हाँ। पर हम जा कहाँ रहे हैं? किसी ऐसी जगह जहाँ पर थोड़ी शांति हो। ओके। मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है बहुत सुरी, मेरी आवाज। यहाँ पर भी बहुत शोर है। हाँ। अब हमें कहाँ जाना चाहिए? आपको परेशान करने के लिए माफी चाहते हैं। हम अखबार इकट्ठा कर रहे हैं। कितना शोर है! इस शहर में तो हर तरफ शोर ही शोर है। बादल बहुत ही शांत और सुंदर होते हैं। मुझे पता है, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। तुम क्या करने की सोच रहे हो नोबिता? वहाँ देखो। हाँ? बादलों के ऊपर? हाँ वहाँ ठीक रहेगा। अच्छा डोरेमोन, ये बताओ कि क्या तुम्हारे पास एक क्लाउड फिक्सिंग गैस नहीं है? हाँ वो बिल्कुल है। क्लाउड फिक्सिंग गैस। क्या आप ये पूरी तरह तैयार है? ये तो बहुत अच्छा है। वाह! ये बादल तो आगे बढ़ ही नहीं रहा। क्लाउड फिक्सिंग गैस ने इस बादल को ज्यादा भारी बना दिया है, इसलिए वो हवा से आगे नहीं बढ़ेगा। ये देखो नोबिता। ओ शिजुका, कितना अच्छा लग रहा है। बताओ मेरा मिस्टर क्लाउड कैसा है? चलो उस पहाड़ी पर चढ़ते हैं। कितना सुंदर है! हाँ बहुत सुंदर है। कितना अच्छा लग रहा है! ये तो स्वर्ग जैसा है। ये कॉटन कैंडी लग रही है। चलो अब हम मिलकर मस्ती करते हैं। ये कितना अच्छा एहसास है। कितनी शांति है। कितना अच्छा लग रहा है। हाँ ये स्वर्ग जैसा है। आइडिया, क्यों ना हम मिलकर इसे एक असली स्वर्ग में बदल दें? क्या कहा, असली स्वर्ग में बदलेंगे? क्या तुम्हें ये असली स्वर्ग नहीं लगता नोबिता? हाँ पर थोड़ा खाली है। हम थोड़ा क्रिएटिव होके इसे और अच्छा बना सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक सुंदर सा तालाब हो। मैं समझ गया, फ्लोटिंग वाटर गैस। पहाड़ी के ऊपर एक महल हो तो बहुत अच्छा होगा। ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्शन मशीन। ये मशीन कोई भी चीज बहुत आसानी से बना सकती है। लो अभी देख लो। इसके लिए पहाड़ी के ऊपर वाली जगह ठीक है। हाँ? मैं अभी घर जाके आई, फिर मिलेंगे। अरे हाँ, मैं भी कुछ काम भूल गया था, मैं चला। ये दोनों मिलकर आखिर करने क्या वाले हैं? मजेदार जिंदगी के लिए खाना जरूरी है। हमारे पास ढेरों स्नैक्स होने चाहिए। भूख लगेगी तब यही तो खाएंगे। अगर हम स्वर्ग में भी भूखे रहेंगे तो फिर जीने का मजा कैसे आएगा? नोबिता!
ये कॉस्ट्यूम मैंने पिछले साल ड्रामा में पहनी थी। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। क्या सच कह रहे हो नोबिता? हाँ अब चलते हैं। हाँ। वाह ये स्वर्ग भी कितनी अच्छी जगह है। वाह वो देखो हमारा महल। वाह कितना अच्छा है। अब हम मूड में आ गए। से नीचे की तरफ देख सकते हो। देखूं तो जियान और सुनियो हमारा बादल नीचे सरक गया है। अरे वो बॉल कहाँ चली गई? अरे वो देखो वो तो नोबिता है। ये लो अपनी गंदी बॉल कैच करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत नोबिता तुम वहाँ पर बादलों में क्या कर रहे हो? नोबिता तुम ज्यादा मत बनो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे फ्रिज खाली है। ये जरूर नोबिता का काम होगा। हेलो आंटी। आई नोबिता ने बादल के ऊपर से हम पर बॉल फेंकी। उसने हमें खाली मैदान में खेलते वक्त बहुत तंग करा। और जब हमने उससे कहा कि हमें भी बादल पर आने दो तो उसने मना कर दिया। आंटी हमें नहीं लगता कि ये सही है कि वो सिर्फ अपनी भलाई के बारे में सोचे। इस नोबिता का क्या करूं मेरी तो कुछ समझ नहीं आता है। नोबिता अब दोबारा से ये क्या हो गया डोरेमोन? नोबिता मेरी आवाज आ रही है। अभी इसी वक्त नीचे आ जाओ। मोम तो बहुत गुस्से में है। नोबिता भयानक लग रही है। मेरे ख्याल से हमें घर चलना चाहिए। हाँ घर चलते हैं लेकिन मुझे यहाँ आज बहुत मजा आया। मुझे भी। चुपचाप घर चलो। मोम मुझे दर्द हो रहा है। बेचारा नोबिता। हे डोरेमोन जियान और सुनियो। हे डोरेमोन जाओ और जाकर एनीवेयर डोर ले आओ। अब हम भी उस बादल पर जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही। क्या पर क्या तुम नहीं चाहते हो? अच्छा ठीक है जियान। बढ़िया जगह है। यहाँ पर एक पूल है और आराम करने की जगह भी है। क्यों ना इसे हेवेंस प्लेग्राउंड बुलाएं और इसे अपने पास रख लेते हैं। हाँ? सुनो अरे तुम्हारी वजह से मुझे नहीं आ रही है। कुछ करो। अरे मैं कहती हूँ कपड़े सूख नहीं रहे जल्दी कुछ करो। ये तो क्या बताती हूँ इन बातों का क्या करोगे? हमें नहीं पता कि क्या करना है। चलो भागो सुनियो। मैं तो समझता था स्वर्ग में शांति होगी पर यहाँ पर तो और भी ज्यादा शोर है। अरे रुक जाओ कहाँ भाग रहे हो? अरे रुको रुको पकड़ो पकड़ो इन्हें पकड़ो। जाते जाओ मैं तुम्हें छोड़ूंगा। ये स्वर्ग में भी कितना शोर है।